नमस्कार, अक्षरा वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। आज हम अक्षरा वॉइस के इस सामयिकी कार्यक्रम में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उपयोग से कृषि कार्य, यानी कि कॉस्मिक जो एनर्जी है उसकी पूरी उपयोगिता हमारे फार्मिंग में। और इस विषय पर जो विशेषज्ञ आज हमारे बीच बातचीत के लिए उपलब्ध हैं वो हैं डॉक्टर राम कृपाल पाठक जी से। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आप केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ के पूर्व निदेशक हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और साथ में हॉर्टिकल्चर के भी आप पूर्व निदेशक रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो विभाग है, और साथ ही आप देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के साथ इस विषय पर आप बहुत गहराई से ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं और कई सारे ऐसे परीक्षण किए जा चुके हैं और उसके बहुत सुंदर सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आज इस विषय पर परिचर्चा में आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये कितनी बड़ी शक्ति है और निशुल्क हमें प्राप्त होती रहती है, लेकिन हम उसके बावजूद इस बड़ी शक्ति को छोड़कर दूसरे साधनों की तलाश में भटक रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। भारतवर्ष आदिकाल से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से खेती करता रहा और हजारों साल तक हमारी खेती होती रही है। हम सोने की चिड़िया नहीं थे, सोना यहाँ नहीं होता है, लेकिन खेती में हम पूरे विश्व में अग्रणी थे, इसलिए हमारी विद्या होती थी। लेकिन जब से बाहर वालों का आना हुआ तब से उन्होंने धीरे धीरे हमारा जो कल्चर था, संस्कृति थी, उस पर कुठाराघात होता रहा और धीरे धीरे हमारी खेती इतनी कमजोर हो गई कि 65-66 में तो हमें बाहर से अन्न मंगाना पड़ता था। जब ये हालत हो गई तो हमें रासायनिक खेती को पकड़ना पड़ा और रासायनिक खेती का प्रभाव तो कुछ दशक तक रहा, लेकिन धीरे धीरे इतना खत्म हो गया। अब इस समय हम रसायन आधारित खेती से हमने जमीन को बर्बाद कर दी, जल को बर्बाद कर दिया, वातावरण को बर्बाद कर दिया और कोई इसका विकल्प नहीं लग रहा है। और साथ ही पूरे देश में जो हमारी मानव संपदा है वो गंभीर बीमारियों के शिकार तो कोई रही नहीं गया। परिवार में देखे जितना जो होता था, आपस का संबंध होता था, वो सब खत्म हो गया है। तो मैं करीब 20 साल से इसमें लगा रहा कि इसका क्या अल्टरनेटिव है। पूरे भारतवर्ष का दौरा करता रहा, मुझे समझ में आया कोई ऐसी ऊर्जा जो मुफ्त में उपलब्ध हो, सबको उपलब्ध हो, तो उसको अगर हम खेती में ढाल सके तो हमारा काम किसान मानेंगे। तो हमने देखा जो विश्व की कॉस्मिक ऊर्जा है जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कर सकते हैं, वो आज भी उसी तरह से, जैसे मान लीजिए सूरज की बात कर लीजिए, एकदम सूरज अपने समय से उगता है, उखड़ता है, अपनी ऊर्जा पूर्व मानव कल्याण के लिए देता है, लेकिन हम भूल गए हैं। इसी तरह से बाकी जो ग्रह उपग्रह हैं वो सब अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, केवल हमें उसकी ज्ञान थोड़ा होना चाहिए और लगन होना चाहिए उस ऊर्जा से हमें खेती करने का। डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप एक वैज्ञानिक हैं और आपने अपने जीवन में बहुत सारा अध्ययन किया, शोध किया, और उसके बाद आप अपने बहुत बड़े जीवन काल में जहां आप लेबोरेटरीज में प्रयोग करते रहे और वहाँ नई नई प्रकार की प्रजातियाँ, अलग अलग किस्में तैयार करते रहे, उन सब के बीच में जब आपको ये ज्ञान हुआ तब आप कितना आज इतना रिफॉर्म हो गए, आप बदल गए, लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक समुदाय वो इस बात को अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम अभी 3 दिन का यहाँ पर लखनऊ में गोष्ठी कर रहे हैं और जिसमें हम सब वैज्ञानिकों को बुला रहे हैं कि भाई हमने 20 साल में देखा है किसानों के खेत में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, केवल हमें इसमें बाहर से इनपुट के लिए गाय चाहिए। देसी जो हमारी गाय हैं जिनमें हम थोड़ा होता है, 2 गाय 4 से 5 हेक्टेयर की खेती हमारी करा सकती है। उसके लिए हमें किसी भी तरह का आदान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, यानी कोई खर्चा नहीं है। नहीं, कोई खर्चा नहीं। और जो हमारे लिए संकट बनी हुई है जी, जिसको किसान छोड़ रहा है सिर्फ इस अज्ञानता के कारण, वो एक समस्या का समाधान भी होगा और उसकी उपयोगिता से उसकी हरी भरी कृषि और उसको ज्यादा लाभ भी प्राप्त होगा और मानव जगत का संकट दूर हो जाएगा। दीक्षित जी, आजकल तो बच्चे भी आपको मम्मी पापा को देते हैं, उनसे आपके परिवार को कुछ फायदा है कि नहीं फायदा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि गाय पर बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन गाय को जब तक हम ये नहीं इतना असर नहीं बना देते कि वो गाय हमारे लिए खेती में, अब देखिए इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 70,000 करोड़ रुपया तो उन्होंने पहले रखा हुआ है उर्वरक के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज हमको देने के लिए, फिर देखते हैं कि अभी हम फॉस्फोरस और पोटास
किसान हमारा ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं, नतीजन की अधिकता होती जा रही है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए और उसकी व्यवस्था की गई है। अब उसके बाद किसान को हर बार उर्वरक हमारे महंगे होते जा रहे हैं, जबकि वातावरण में प्रकृति में देखिए, प्रकृति में 78% नत्रजन है मुफ्त में उपलब्ध, उसको हमें पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। प्रकृति ने अगर 78% नत्रजन बनाया है तो आपको इससे बना दिया है, दलहनी फसलें तमाम बना दी, लेग्यूमिनेसी फैमिली की, इनकी जो कि जड़ों की जो ग्रंथियां होती हैं उसमें कॉस्मिक जो ये है नत्रजन है वो उसको पकड़ने की बहुत अच्छा क्षमता होती है। इसी तरह हमारी जो देसी ब्रीड की गाय है उसका जो बेली है, गाय को कुछ भी खिलाइए प्रदूषित चीजें, लेकिन जब उसके रूमेन से वो ज्यादा है तो गोबर और गोमूत्र हमारे लिए मूल्य नहीं हो जाता है। मेरा ये मानना है कि दूध तो कभी कभी गाय देती है, समय से देती है, लेकिन गोमूत्र और गोबर अंतिम सांस तक देती रहती है, उसको कर करके एक जीवामृत बनता है। इसमें गाय का गोबर होता है, गोमूत्र होता है, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाते हैं, बेसन मिलाते हैं और थोड़ी सी उर्वर माटी मिला देते हैं, 5-6 दिन तक उसको विघटित करा देते हैं, तो जो जीवामृत तैयार होता है इसमें जो होते हैं तमाम तरह के बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सचर्स, ऊपर जो वातावरण अच्छा है, जैसे नाइट्रोजन तो हमारे हवा में है, फास्फोरस हमारी जमीन में इतना ज्यादा है कि हम 100 साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फास्फोरस की घुलनशीलता नहीं है, तो हमें ऐसे उसकी बात करनी चाहिए जैव नियामक की जिसमें फास्फोरस को घुलनशीलता बढ़ा दे। पोटास हम 1 ग्राम भी नहीं बनाते, पूरा पोटास हमें बाहर से लाना पड़ता है, और पत्तियों में जब पौधा कुछ पोटास लेता है जमीन से तो जो अनाज पानी आया हो तो आपके घर में आ गया, लेकिन बाकी जो फसल अवशेष बचे हैं वो पूरा का पूरा पोटास उसमें रहता है। अगर उसको हम वहीं विघटित करा दें तो पोटास हमें बाहर से नहीं लेना पड़े। अब इस समय देखिए बहुत बड़ी समस्या है पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारतवर्ष में पराली जमाने की। अब देखिए जितने हमारे पौधे जो भी आप भोजन देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फॉस्फोरस पोटास देते हैं, पौधे जो होता है केवल 3 फॉर्म लेते हैं, उसका ऑक्सीकरण होता है या उसका होता है चिरेशन होता है या आयन के फॉर्म लेते हैं। ये काम जो है भूमि में पाए जाने सूक्ष्म जीव जंतु हैं जो किचुए हैं ये करते हैं। अब मान लीजिए फसल पूरी जला दी गई, अच्छा ये जीव जंतु जो होता है 20-25-30 सेंटीमीटर से नीचे नहीं पाए जाते, अगर ये जला दिया गया टेम्परेचर से जमीन तबाह हो गई, वो मर जाएंगे। तो आप लाख इसमें उर्वरक मिलाते रहिएगा लेकिन कोई इस रूप में भोजन बनाने के लिए नहीं रहेगा जो कि पौधे उसको ले सके। ये बहुत बड़ी विडंबना हो रही है, किसान भाइयों को समझाना है उसको वहाँ जलाना नहीं है बल्कि उसको जो होता है वहीं पर विघटित करा लेना है, और विघटन के लिए जीवामृत जो गाय के गोबर गोमूत्र से बन रहा है उससे बढ़िया कोई और उपाय नहीं है। हमारे किसान भाइयों को ये समझने वाली बात है कि आप राजा हैं और अगर आप पराली जलाते हैं या इस तरह के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रंक बन रहे हैं और आप अपनी मिट्टी का भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और धरती के नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपने परिवार और अपने इष्ट मित्रों का भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वो रसायन जो आप कृषि में डाल रहे हैं वो शरीर भर जो सब्जियाँ या दूसरे अनाज होते हैं उनके माध्यम से शरीर में पहुँचता है और करोड़ों रुपये का इलाज इस पर खर्च हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार 70+20,000 करोड़ 90,000 करोड़ इन उर्वरकों के खरीद और इसके वितरण पर खर्च कर रही है, लेकिन अभी तक जो जैविक खाद है या गोबर की खाद उस पर कोई भी सब्सिडी भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने नहीं की है। मैं आपकी इस बात को सुनने के बाद राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से अपील रखता हूं कि इस विषय पर गहनता से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये भारत की परंपरा की वो ज्ञान है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी चिंता की बात है कि अमेरिका ने गोमूत्र पर 5 से ज़्यादा पेटेंट करा लिए, चाइना उस पर पेटेंट करा रहा है, गोमूत्र खरीद रहा है, गोबर का निर्यात हो रहा है, भारत से दुनिया के दूसरे देशों में जा रहा है और हम उसको अपने लिए संकट समझ के बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में एक पहले से पद्धति थी, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हम करते हैं, तमाम चीजें हैं जो करते हैं, तो हर घर में यज्ञ होता था, उस यज्ञ से जितना प्रदूषण होता था उसका निवारण होता जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमने भूल गए इसी बाहर वालों के चक्कर में। एक गजानन महाराज हुए ये वहाँ महाराष्ट्र में, उन्होंने एक ऐसी पद्धति निकाली जिसको हम कहते हैं अग्निहोत होमा एग्रोफार्मिंग। इस होमा में क्या करते हैं, एक पिरामिड पात्र होता है तांबे का छोटा सा, और उस समय का किस समय सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, एक दिन हम कोशिश करते हैं कि उसको हम सेकंड में पकड़ लें और उसमें जलाने के लिए, दहन करने के लिए गाय के गोबर के पतले उपले, अक्षत चावल और गाय का ही घी, जिस समय मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है उसके उसी पिरामिड पात्र में उपलों को सेट कर देते हैं ताकि उसमें हवा आती रहे, और उसमें थोड़ा घी चुपड़ करके उसमें डाल देते हैं
जिस समय हमें आहुति डाली होती है उस समय उसमें अग्नि होना चाहिए। प्रातः काल बाएं हाथ में या तांबे के पेड़ में थोड़ी सी चावल ले लेते हैं, घी चुपड़ लेते हैं, और घी चुपड़ने के बाद ठीक जिस समय सूर्योदय हो रहा, सूर्याय स्वाहा सूर्याय दम नमम प्रजापते स्वाहा प्रजापते दम, उसको रिपीट नहीं करना है। और जब शाम को हम अग्नि सूर्य लेते हैं सूर्य की पूजना, तो वही मंत्र बदल जाता है, अग्नय स्वाहा अग्नय दम नमम प्रजापते स्वाहा प्रजापति देव नमम। आज कल विश्व के 100 देशों में लोग अपना रहे हैं, ज्यादातर अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, खेती के लिए कर रहे हैं, पशुपालन के लिए कर रहे हैं। अभी हमारा जो 8, 9, 10 को लखनऊ में हो रहा है, उसमें एक हमारा मित्र ये उल्लिख जर्मन का है, वो आ रहा है और 40 साल से अग्निहोत्र को वो पूरे विश्व में लगा हुआ है कि भाई इससे हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ती है, फास्फोरस की सुलभता बढ़ती है, वातावरण नतजन पकड़ लिया जाता है, तो जो भस्म निकलता है इसके बाद से इसमें अद्भुत तरह का जाता है, इसको हम खेती में। और सबसे खास बात है कि जल में अगर डाल दिया जाए तो उसकी भी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी चिंता की बात है कि एक जर्मनी और फ्रांस का वैज्ञानिक आपकी बात समझ लेता है और वो 40 साल से इस काम में लगा है, लेकिन हमारे भारत के वैज्ञानिक जो आपके मित्र आपके शिष्य आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो आपके इस पूरे अनुभव को इसके प्रयोग को देखने को भी तैयार नहीं है।